अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मैथ्स का थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शंस। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन होती क्या है, यानी व्हाट इज अ फ्रैक्शन। इसको डिफाइन किया जा सकता है कि अ फ्रैक्शन सिंपली टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव। यू कैन रिकग्नाइज अ फ्रैक्शन बाय द स्लैश दैट इज रिटन बिटवीन द टू नंबर्स। वी हैव अ टॉप नंबर द न्यूमिरेटर एंड अ बॉटम नंबर द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, 1/2 इज अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथ टेस्ट। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एज 80/100। यानी फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो हमें ये बताता है कि हमें होल में से कितने हिस्से मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1/2 का मतलब कि टोटल पार्ट 2 है और हमने उसमें से एक पार्ट लिया है। एक और एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट ने 80 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब यह है कि टोटल मार्क्स जो हैं वो टोटल पार्ट जो है वो 80 है, 100 है, और उसमें से बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, कितने पार्ट लिए हैं वो 80 हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में 80/100 लिखते हैं। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एडिशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर ए में दो फ्रैक्शन दी गई हैं, एक फ्रैक्शन है 35/6 और दूसरी फ्रैक्शन है 9/8। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो फ्रैक्शंस के दरमियान कॉमा दिया गया है उसको खत्म करके उसकी जगह हम प्लस का साइन डालेंगे, 35/6 प्लस 9/8। फिर हम 9, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। अब इस 24 को हमने फर्स्ट डिवाइड करना है फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 6। हम 24 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा, और उसको इसी फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह 35 4 140 आता है। प्लस 24 को 8 से डिवाइड करें, 3 आंसर आया, 9 3 27। इन दोनों को हमने, यानी 140 प्लस 27 ऐड किया तो 167/24। अब न्यूमिरेटर ग्रेटर है जबकि डिनोमिनेटर स्मॉलर है। जब ऐसा आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 167 को अंदर रख के 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा 6/23/24। बी पार्ट, फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/8, सेकंड फ्रैक्शन है 5/6। फर्स्ट स्टेप 9/8 प्लस 5/6, 8 और 6 का एलसीएम लिया, 24 आया। 24 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 8 3 24, 3 आंसर आएगा। इसको फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस 24 को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 6 4 24, 4 आंसर आया है। उसको दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करना है, किसको, जो हमारा आंसर आया हो, यानी 4, तो 5 4 20, इनको ऐड करेंगे, 47/24। अब यहां भी न्यूमिरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो 47 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो 1/23/24। ये बी पार्ट का आंसर आ गया। अब सी पार्ट, जिसमें दो मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है। नंबर 1 है 3/3/8, सेकेंड फ्रैक्शन है 5/5/6। इसमें फर्स्ट स्टेप ये होगा कि एक तो हम इसी मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, होल को खत्म करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि ये आप अगले स्टेप में कर लें। फर्स्ट स्टेप उसी तरह रहने दें कि कॉमा खत्म करके प्लस डाल दें, 3/3/8 प्लस 5/5/6। अब होल खत्म करने का या मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करने का तरीका ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर को जो होल नंबर है यानी 3 साइड पे जो दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करना है, 8 3 24, और उसमें न्यूमिरेटर यानी 3 को ऐड कर देना है।
इस तरह बन जाएगा 27 ओवर 8 प्लस दूसरी मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करते हुए भी 6 जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 आर 30 और उसमें भी ऊपर वाला न्यूमिरेटर ऐड कर देंगे 35 ओवर 6। अब यहां भी जो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं वो पहले दो पार्ट्स जो हमने किए हैं सेम वही डिनोमिनेटर बन रहे हैं तो इनका एलसीएम भी 24 आएगा। 24 को हम फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे आंसर 3 आएगा। 3 को 27 से मल्टीप्लाई करना है तो 81 प्लस 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 प्लस 81 इक्वल्स 221 ओवर 24। अब यहां पे भी जो न्यूमिरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो 221 को अंदर रखकर 24 से डिवाइड किया आंसर आएगा 9 होल 5 ओवर 24। आपकी आसानी के लिए इन तीनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं उनके एलसीएम मैंने एंड में फाइंड करने का तरीका बता दिया है कि ये डिवीजन मेथड से हमने फाइंड किया है इसका एलसीएम यानी 6 और 8 को हमने अंदर रख के पहले 2 से क्योंकि 6 और 8 दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो डिविजिबल बाय 2 है लिहाजा 2 से डिवाइड किया तो 2 3 दा 6 2 4 दा 8। अब 3 तो 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 2 से डिविजिबल है तो हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 एज इट इज आ जाएगा और 2 2 आर 4। उसके बाद फिर 2 क्योंकि 2 से डिविजिबल है दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 3 एज इट इज आ गया और 2 1 आर 2। अब एंड में जो 3 बचा है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। आपने कोशिश ये करनी होती है कि जब तक एंड में 1 1 आंसर ना आ जाए उस वक्त तक आप डिवाइड करते रहेंगे। अगर 2 या 3 नंबर भी हों 3 नंबर में से अगर एक नंबर 2 से डिवाइड होता है बाकी दो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते तो भी आपने स्टार्ट जो है वो 2 से ही करना है। अब ये जो साइड में नंबर आ गए हैं 2 2 2 एंड 3 इनको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 24 होगा। डी पार्ट है हमारा 3 ओवर 10 फर्स्ट फ्रैक्शन, 4 होल 4 ओवर 14 सेकंड फ्रैक्शन। तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेप ये किया है कि 3 ओवर 10 कॉमा खत्म करके प्लस और साथ हमने होल भी खत्म कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन को भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 14 जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 14 4 आर 56 होते हैं और उसमें न्यूमिरेटर 4 ऐड करेंगे तो 60 ओवर 14। अब 10 और 14 का जो हम एलसीएम लेंगे जो साइड पे हमें मैंने मालूम किया हुआ है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो 70 आएगा। 70 को जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड किया 10 7 आर 70 तो 7 आंसर आएगा। उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 21 लिख देंगे प्लस 70 को 14 से डिवाइड किया तो 5 आंसर आएगा और 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 में 21 ऐड करें 321 ओवर 70। 321 को 70 से डिवाइड करेंगे ये साइड पे मैंने डिवीजन भी दिखा दी है। 321 को अंदर रखा 70 से डिवाइड किया तो 74 आर 280 होता है। हमारा जो रिमाइंडर होगा 41 होगा। सबसे पहले हमने कोशेंट को लिखना होता है साइड पे तो 4 हमने साइड पे लिखा फिर रिमाइंडर 41 और नीचे जो है वो डिवाइजर तो हमारा आंसर आएगा 4 होल 41 ओवर 70। ई पार्ट में 3 फ्रैक्शन हैं। फर्स्ट है 2 ओवर 6 सेकेंड है 2 ओवर 8 थर्ड है 3 ओवर 4। फर्स्ट स्टेप उसी तरह कॉमा खत्म करके प्लस डालना है 2 ओवर 6 प्लस 2 ओवर 8 प्लस 3 ओवर 4। अब 6 8 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 24 आएगा। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। 4 2 आर 8 यानी उसके न्यूमिरेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 24 को 8 से डिवाइड करें तो 8 3 आर 24 3 2 आर 6 प्लस 4 6 आर 24 6 3 आर 18 जब हम इनको ऐड करेंगे तो 32 ओवर 24। अब 32 और 24 जो हैं वो एक ही नंबर से डिवाइड हो जाते हैं और वो एक नंबर है 8। 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 आर 32 4 आंसर आएगा। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 आर 23 8 3 आर 24 तो इस तरह हमारा आंसर आया 4 ओवर 3। लेकिन इस आंसर में भी न्यूमिरेटर ग्रेटर है
डिनोमिनेटर से, तो मैंने साइड पे डिवीजन शो कर दी है कि 4 को अंदर रख के 3 से डिवाइड किया, 3 वन दार 3, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, जिस तरह हमारा आंसर 1 होल 1 ओवर 3 आएगा। पार्ट एफ, इसमें भी तीन फ्रैक्शंस हैं, 1 ओवर 7 फर्स्ट फ्रैक्शन, 2 ओवर 5 सेकंड फ्रैक्शन, 8 ओवर 9 थर्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप उसी तरह कॉमा खत्म करके 1 ओवर 7 प्लस 2 ओवर 5 प्लस 8 ओवर 9 ये हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप में 7, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम 315 आया है। 315 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 45, 45 को उसके न्यूमिरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई किया तो 45 वन आर 45। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, उसके बाद 315 को 5 से डिवाइड किया तो 63 आया। 63 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा। 315 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा और 35 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा। 45 प्लस 126 प्लस 280 इनको ऐड कर लें, 451 ओवर 315। अब यहाँ भी न्यूमिरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो डिवाइड करेंगे 451 को 315 से, तो 315 टूज आर 630 होता है, जो इस 451 से बड़ा नंबर है, इसलिए हमने 315 वन आर 315 ही पुट किया। 451 में से जब 315 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 136। तो हम इस तरह फाइनल आंसर हमारा बनेगा 1 होल 136 ओवर 315। जी पार्ट में दो फ्रैक्शंस गिवन है, फर्स्ट फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है 9 ओवर 12, सेकंड फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन 3 होल 7 ओवर 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी फर्स्ट स्टेप उसी तरह कॉमा खत्म करके हमने प्लस डाल दिया, 9 ओवर 12 प्लस 3 होल 7 ओवर 9। नेक्स्ट स्टेप में हमने मिक्स फ्रैक्शन खत्म की, 9 ओवर 12 प्लस मिक्स फ्रैक्शन खत्म करते हुए हम डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 से, 9 3 इज 27 और उसमें न्यूमिरेटर ऐड करेंगे 7, तो 27 प्लस 7 34 ओवर 9 आ जाएगा। उसके बाद 12 और 9 का एलसीएम लिया, एलसीएम आप साइड पे देख सकते हैं, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है और आप सेकंड यूनिट पूरा जो है वो एलसीएम की प्रैक्टिस में आपने गुजारा है, तो अब आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, 36 को हम फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा और उसको उसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 से, तो 9 3 इज 27 प्लस 36 को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 9 से डिवाइड करना है तो 9 4 इज 36 और 4 जो हमारा आंसर आया उसको सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 136। 27 प्लस 136 163 ओवर 36। अब इस क्वेश्चन में भी न्यूमिरेटर जो है वो ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, 163 को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 4 होल 19 ओवर 36। एच पार्ट में तीन फ्रैक्शंस हैं और तीनों ही मिक्स फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है 9 होल 5 ओवर 8, सेकंड फ्रैक्शन है 7 होल 1 ओवर 4 और थर्ड फ्रैक्शन है 4 होल 2 ओवर 3। हमारा फर्स्ट स्टेप वही होगा कि एक तो हम मिक्स फ्रैक्शन खत्म करेंगे, साथ साथ कॉमास को खत्म करते हुए प्लस साइन डालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बाय मिस्टेक कॉमास ही रह गए हैं, तो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन कॉमास की जगह प्लस डालना है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे खत्म करते हैं वो आप बार बार एक्सप्लेन हो चुका, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसी के न्यूमिरेटर, उस फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से में प्लस कर देते हैं। जैसे 8 9 आर 72 प्लस 5 77, तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो बनेगी 77 ओवर 8, सेकंड 7 4 आर 29 28 प्लस 1 29 ओवर 4 और थर्ड फ्रैक्शन बनेगी 4 3 आर 12 प्लस 2 14 ओवर 3। 8, 4 एंड 3 ये तीन डिनोमिनेटर हैं तीन फ्रैक्शंस के, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे
और हमारे पास एलसीएम जो है वो 24 आएगा। 24 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 8 से डिवाइड करें तो 8 थ्री जार 24, 3 आंसर आएगा। उसको 77 से मल्टीप्लाई कर दें तो 231 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 6, तो 6 आंसर आया। 6 को हम 29 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से तो आंसर आएगा 174। फिर हमने 24 को थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 3 से डिवाइड करना है तो आंसर 8 आएगा। 8 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 112। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लें, 231 प्लस 174 प्लस 112, तो ये आ जाएगा 517 ओवर 24। अब 517 ग्रेटर नंबर है यानी न्यूमिरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर 24 स्मॉलर है, तो 517 को अंदर रख के 24 से डिवाइड करना है। तो ये स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपने इस तरह नहीं करना जिस तरह ये मैंने किया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर पे इस तरह डिवीजन हो नहीं रही थी। तो 24 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा। आपने 51 की जगह नीचे 51 के नीचे 48 पुट करना है। 51 में से 48 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। फिर आप 7 नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 37। फिर 24 वन जार 24 पुट करेंगे, 37 में से 24 माइनस करें तो 13 आंसर आ जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 21 होल 13 ओवर 24। लास्ट पार्ट यानी आई पार्ट, जिसमें तीन फ्रैक्शन 6 ओवर 7, 7 ओवर 9, 11 ओवर 12, ये तीन फ्रैक्शंस गिवन है। ये तीनों फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट स्टेप कॉमा खत्म करेंगे और कॉमास की जगह प्लस डालेंगे। 6 ओवर 7 प्लस 7 ओवर 9 प्लस 11 ओवर 12, 7, 9 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो 252 आएगा। हमने 252 को 7 से डिवाइड किया तो 36 आंसर आया। 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से तो 216 आएगा। फिर हमने 252 को 9 से डिवाइड किया जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर 28 आएगा। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 196। लास्ट में हमने 252 को 12 से डिवाइड करना है तो 11 आंसर आएगा। और 21 आंसर आएगा। 21 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231, 216 प्लस 196 प्लस 231, इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 643 ओवर 252। इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमिरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो 643 को 252 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 252 को, तो हमारा आंसर आएगा 504। 643 में से 504 माइनस करें तो 139 रिमाइंडर आ जाता है। और इस तरह हमारा फाइनल आंसर होगा 2 होल 139 ओवर 252। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, जिसके 9 पार्ट्स थे ए टू आई। सब क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपने ये क्वेश्चंस अपनी कॉपीज पे करने हैं और आज ही मुझे सबमिट करवाने हैं 4 बजे तक। और कोशिश करनी है कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन यानी माइनस का है। ये प्लस के क्वेश्चन थे, वो माइनस के हैं। प्रोसीजर यही है, जस्ट आपने ये करना है कि प्लस की जगह माइनस साइन डालना है और एंड में यहाँ जैसे प्लस करते हैं नंबर्स को, वहाँ पे माइनस कर देना है। तो कोशिश करें वो क्वेश्चंस भी हो जाएं ताकि हम नेक्स्ट डे जो है वो एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर सकें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे किसी तरह की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप जिस तरह चाहें, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, चाहे टेक्स्ट मैसेज करें, चाहे कॉल करना चाहें तो कॉल करके आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन मेहनत करें, आपके स्कूल्स का भी कोई पता नहीं कब तक ओपन हो, तो आपको ऑनलाइन ही स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। और इसके लिए हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप सब बच्चे
जितने भी 5 क्लास के बच्चे हैं वो अलर्ट हो जाएं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करें और डेली का वर्क जो है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको कंप्लीट करें ताकि जब भी स्कूल ओपन हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना इतना बर्डन हो जाएगा कि आपके पास टाइम कम होगा और काम ज़्यादा होगा और आपको काम नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया।